और आज का वर्कआउट भी फिनिश करेंगे। स्प्रिंग एट इट्स बेस्ट। ये लास्ट वाला सेट है इसका, है ना? एस बिटवीन सेट्स ज्यादा देना है और अपनी वर्कआउट की ड्यूरेशन कम करनी है। मेन नंबर 2 चिकन एंड राइस। What's up YouTube? Assalamu alaikum to all of you. Welcome back to our channel Fitness Service 19. So guys, this is me, Diakzans here. तो गाइज आज है हमारा रमज़ान का पहला व्लॉग। आज हमारा है बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट। तो आज मैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अभी इफ्तार को अभी एक घंटा है, इफ्तार से एक घंटा पहले मैं वर्कआउट के लिए जाता हूँ। तो आज हम बाइसेप्स ट्राइसेप्स का वर्कआउट करेंगे, उसके साथ साथ जो भी मेरी मील्स रहती है इफ्तार से सहरी तक वो मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। तो बने रहे वीडियो के साथ, और कैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ रमज़ान में वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इस व्लॉग में। तो मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। निकलते हैं, यहाँ पे है मेरी बाइक, ठीक है। तो अभी मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और हम निकलते हैं जिम के लिए। सो गाइस अभी मैं मेन रोड पे पहुँच चुका हूँ, ठीक है। सो आई एम हेडिंग टुवर्ड्स द जिम। बीच बीच में जो भी व्यू होगा वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। लुक एट द व्यू गाइस, आप सामने देख सकते हो क्या व्यू है आगे। वाओ, जस्ट अमेजिंग। वाओ गाइस, लुक एट दिस व्यू, सुपरिंग एट इट्स बेस्ट। तो जब आप बाइक पे होते हो तो अलग ही मज़ा आता है ये सब देखने में। इट फील्स अमेजिंग। वाओ गाइस, आगे का जो नज़ारा है ना, वाओ, वो एकदम अलग ही इंसान को फील होता है ये सब देखिए कि हमारे कश्मीर में इतनी खूबसूरती। आप देख सकते हो आगे, आप देखो यार, आप इसको अपनी आंखों के सामने देखोगे ना तो अलग ही फील आता है। वाओ, व्हाट अ व्यू गाइस। तो गाइस पहुंच गए हम अभी जिम में। आज हम करने वाले हैं आर्म का वर्कआउट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो आप, मैं दिखाऊंगा रमज़ान में आपको कैसे वर्कआउट करना चाहिए। आप मेरा वर्कआउट देखना, उसी हिसाब से बाकी पार्ट्स पे भी अप्लाई करना, ठीक है। जनरली आपको करना क्या है, बस आपको नंबर ऑफ सेट्स कम करने हैं, वॉल्यूम थोड़ा एक्सरसाइज का कम करना है। जैसे कि अगर आप नॉर्मली 20 सेट्स करते थे किसी बॉडी पार्ट के लिए, आप उसको 15 कर दो, 10 से 15 करो, ठीक है। जो भी आप बॉडी पार्ट कर रहे हो वैसे ही ट्रेन करो। बस करना क्या है, थोड़ा सा वेट कम करना है, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करना है, ठीक है। रेस्ट बिटवीन सेट्स ज़्यादा देना है और अपनी वर्कआउट की ड्यूरेशन कम करनी है। ये कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है, और बाकी मैं आपको वर्कआउट के द्वारा बताऊँगा। तो गाइस अभी हम करेंगे वार्म अप से स्टार्ट, ठीक है। हम बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का वार्म अप एक साथ करेंगे। पहले 3 सेट करेंगे रोप पे ट्राइसेप्स के लिए, और फिर नीचे बाइसेप्स के लिए 3 सेट, ठीक है। 3 सेट करू के और 3 सेट रोप के, 20-20 रेपिटेशन के करेंगे। वेट हल्का ही रखेंगे, लाइक दिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, साथ में ही बाइसेप भी करना है। ऐसे हमें वार्म अप करना है, इसके हम 3 सेट करेंगे, उसके बाद हम अपना वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो
गाइस वार्म अप हमारा कंप्लीट हो गया है, अभी हम करेंगे पहली एक्सरसाइज ट्राइसेप्स से स्टार्ट। स्कल क्रशर करेंगे, इसके हम 4 सेट करेंगे, एक हमारा वार्म अप रहेगा और 3 वर्किंग सेट करेंगे, 15 से 20 सेट्स करेंगे, ठीक है। पहले मैं वार्म अप सेट दे रहा हूं 10 केजी से, आप देख सकते हो, इसके मैं करूंगा 20 सेट्स। गाइस पहला वर्किंग सेट में लेता हूँ, ठीक है, 30 केजी वेट से 15 रेप्स करने हैं। सो गाइस पहले एक्सरसाइज हमने की स्कल क्रशर, अभी हम एक्सरसाइज बाइसेप्स के लिए करेंगे, बार बकल करेंगे, ठीक है, इसके हम 4 सेट करेंगे 15 से 20 सेट, ठीक है, वेट ज़्यादा भी हैवी भी नहीं है, इसे आप आराम से 15 सेट वही भी लेंगे। Like this one. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. गाइस सेकंड एक्सरसाइज करेंगे अभी सुपर सेट में करेंगे, ठीक है, डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन उसके साथ हैमर करेंगे, 3 सेट करेंगे 15 से 20 रेप्स, ठीक है, लाइक दिस, 1 2 3 4। तो गाइस हम हैमर के साथ करेंगे, इसके हम 3 सेट करेंगे 15 से 20 रेप्स, लाइक दिस,
करेंगे अभी ट्राइसेप प्रेस डाउन, उसके सुपर सेट में करेंगे रिवर्स कर्ल, ठीक है। इसके लिए हम चार सेट करेंगे 15 से 20 रेप्स, ठीक है। पहले करते हैं हम ट्राइसेप प्रेस डाउन लाइक दिस, 1 साथ में रिवर्स कर करना है। लाइक दिस, 20. ऐसे हमें 3 सेट करने हैं। साथ में रिवर्स कर लेंगे सुपर सेट। ये लास्ट वाला सेट है इसका, है ना? लास्ट सेट है गाइस, उसके बाद प्रेशर पे एक सेट करेंगे और आज का वर्कआउट वेट फिनिश करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज रिचर, ये हम 2 सेट करेंगे 15 से 20 सेट्स। ये था हमारा आज का बाइसेप एंड ट्राइसेप्स का वर्कआउट। अब जो मेरा डाइट रहता है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अभी हम तैयारी के लिए निकलते हैं अब घर के लिए, ठीक है। तो बाकी जो भी डाइट होगा वो मैं आपको घर पे दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ घर, अभी मैं इफ्तार की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं अपना रोज़ा खोलता हूँ पहले 1:30 से, ठीक है, और उसके साथ मैं 1 गिलास पानी लूँगा और फिर जो भी सीजनल फ्रूट घर पर अवेलेबल होगा वो मैं लेता हूँ। एंड उसके बाद मैं अपनी मील बना लेता हूँ, एक्चुअली मैं केक बना लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इसमें क्या क्या ऐड करता हूँ मैं आपको इंग्रेडिएंट यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप इसको ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। सो गाइज नमाज़ पढ़ ली हमने मगरिब की, उसके बाद मैं लेता हूँ 1/2 आवर का रेस्ट, और जैसे इशा का टाइम आता है उससे 20 मिनट पहले मैं अपनी दूसरी मील ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ वाइट राइस और उसके साथ चिकन एंड 1 कप ऑफ मिल्क। गाइज अभी मैं आ गया हूँ इशा नमाज़ पढ़ के, नमाज़ तरावी हमने पढ़ ली, अभी मैं करूँगा अपनी मील नंबर 3। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 eggs, इसमें से 3 की मैं योक लूँगा। सो गाइस हियर इज़ आवर मील नंबर 4। ये मैं शूट नहीं कर पाया, तो ये मेरी लेते हैं मील सोने से पहले। यहाँ पे मैं लेता हूँ 1 ग्लास मिल्क एंड ड्राई फ्रूट्स। सो
सो गाइज अभी हम करते हैं बात सहरी की में मेरी सेम ही रहती है, सेम वाइट राइस एंड चिकन रहता है, और उसके बाद मैं लेता हूँ 50 ग्राम ओट्स ताकि दिन में मुझे भूख ना लगे। सो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर।